हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक प्रिजन ब्रेक मूवी लॉकआउट को, जो कि 2012 में रिलीज हुई थी। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। तो कहानी शुरू होती है 2079 से, मतलब कि आज से काफ़ी साल आगे। यहाँ पर हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट में एक आदमी बैठा होता है जिसका नाम होता है स्नो। यहाँ पर स्नो के सामने एक आदमी जिसका नाम होता है स्कॉट, वो उससे पूछताछ कर रहा होता है। असल में स्नो एक मिशन पर गया होता है जहाँ पर उसने फ्रैंक नाम के एक आदमी का खून कर दिया होता है, जबकि फ्रैंक भी उसी की तरह का एक एजेंट होता है और इसीलिए स्नो से यहाँ पर पूछताछ करी जा रही है। यहाँ पर फ्लैशबैक में स्नो को याद आता है कि वहाँ पर उसके और फ्रैंक के अलावा और भी बहुत सारे दूसरे लोग थे जिनसे कि स्नो फाइट कर रहा था, पर अब तक यहाँ पर फ्रैंक की डेथ होने वाली थी। और मरते मरते फ्रैंक उसके हाथ में एक लाइटर देते हैं और कहते हैं कि इसे संभाल कर रखना, और इसके बाद उनकी नज़रें एक ब्रीफकेस की तरफ जाती हैं। तो मतलब कि स्नो को यहाँ पर उस ब्रीफकेस को संभाल के रखना है और इसके लिए वो तुरंत ही उस ब्रीफकेस को उठा लेता है। पर तब तक यहाँ पर आर्मी आ चुकी होती है और अब यहाँ पर वो आर्मी से बचते बचाते इधर उधर से भागता है और यहाँ पर ट्रॉन जैसी एक बाइक उठाता है और भागते हुए वहाँ से निकल जाता है। आगे चल करके वो एक सबवे में जाता है जहाँ पर उसने अपने फ्रेंड मेस को बुला लिया था। लेकिन अब यहाँ पर जब मेस ट्रेन के अंदर होता है और वो ट्रेन के बाहर प्लेटफॉर्म पे होता है, तभी पीछे से यहाँ पर आर्मी आ चुकी होती है। इसीलिए वो ब्रीफकेस को फेंक देता है ट्रेन के अंदर, जो कि मेस को मिल जाता है और यहीं पर स्नो को पकड़ लिया जाता है। यहाँ पर स्नो का बोलना होता है कि उसने फ्रैंक को नहीं मारा है, पर अब यहाँ पर स्कॉट उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो ही फ्रैंक को शूट कर रहा था। उसे देखते ही स्नो को लगता है कि ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था, पर अब स्कॉट उसकी कोई भी बात नहीं मानता है और इसके बाद यहाँ पर उससे बात करने के लिए उसका दोस्त आता है। वो भी उसी की तरह गवर्नमेंट के लिए काम करता है और उसका नाम होता है शॉ। यहाँ पर शॉ उससे बात करता है और बोलता है कि ब्रीफ केस किसके पास है। स्नो उसे सामने से तो कुछ भी नहीं बताता है, पर यहाँ पर वो टेबल पर पड़ी हुई ऐश में मेस का नाम लिखता है। शॉ स्नो का बहुत अच्छा दोस्त होता है और स्नो को उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा होता है, इसीलिए उसे मेस का नाम बता देता है। और इसके बाद स्नो को 30 साल के लिए MS-1 जेल में भेज दिया जाएगा। और अब नेक्स्ट सीन में हम एमिली को देखते हैं, जो कि प्रेसिडेंट की बेटी होती है। यहाँ पर वो MS-1 जेल को ही विजिट करने के लिए जा रही थी, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी सोशल वर्कर होती है और उसे शक होता है कि MS-1 जेल में कैदियों को रखने के अलावा और भी काफ़ी कुछ होता है। यहाँ पर उसे बताया जाता है कि MS-1 जेल एक बहुत ही ज़्यादा हाई सिक्योरिटी और काफ़ी ज़्यादा हाईटेक जेल है। यहाँ पर उन कैदियों को लेकर के आया जाता है जो कि बहुत बड़े बड़े क्राइम करते हैं और फिर उन्हें एक चैम्बर में डाल करके सुला दिया जाता है। तो मतलब कि वो सभी कैदी यहाँ पर हर वक्त बस सोते रहते हैं अपने चैम्बर्स में, पर ऐसा करने की वजह से उनके दिमाग पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ता है। यहाँ पर यही सब कुछ देखने के लिए एमिली उस जेल के अंदर जाती है, जहाँ पर एक कैदी को जगा करके उससे बात करने के लिए लेकर के आया जाता है। ये कैदी दिखने में काफ़ी ज़्यादा क्रीपी और साइको टाइप का लग रहा था और वो होता भी साइको है। यह एमिली के साथ एक गार्ड होता है जो कि जा करके उसी प्रिजनर के बगल में खड़ा हो जाता है। यहाँ पर वो कैदी उस गार्ड के पास एक गन है इस बात को स्मेल कर लेता है, क्योंकि उसे गन की स्मेल आ रही थी। और जेल के रूल के अकॉर्डिंग अंदर कोई भी गन लेकर के नहीं जा सकता है, पर क्योंकि बात यहाँ पे प्रेसिडेंट की बेटी की सिक्योरिटी की थी, तो उसका गार्ड एक छोटी सी गन अपनी पॉकेट में रख लेता है और इसी गन को वो कैदी निकाल लेता है और हर किसी को शूट करना शुरू कर देता है। वो बेकाबू कैदी यहाँ पर कई लोगों को मार देता है और एमिली यहाँ से भागने की भी कोशिश करती है, तो वह एमिली को भी पकड़ लेता है। इसके बाद वो वहीं के एक आदमी से बोलता है कि बाकी सभी चैम्बर्स को ओपन कर दो। मरने के डर की वजह से वो आदमी चैम्बर ओपन कर देता है, लेकिन बाद में वो साइको उस आदमी को भी मार देता है। सारे कैदियों के बाहर छूटते ही यहाँ पर बहुत ही गंदा हंगामा मच जाता है और इसी बीच हम एलेक्स को देखते हैं। एलेक्स यहाँ पर उसी साइको का बड़ा भाई होता है और वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होता है। यहाँ पर वो इस पूरी जगह का इंचार्ज बन जाता है और हर वर्कर को यहाँ पर अपना हॉस्टेज बना लेता है। दूसरी तरफ जब ये बात प्रेसिडेंट को पता चलती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर वो अपनी बेटी को बचाने के लिए पूरी पूरी टीम को भेजना चाह रहे थे, पर अब यहाँ पर शॉ उन्हें बोलता है कि अगर वो पूरी टीम को भेजेंगे तो उनकी टीम को आसानी से देख लिया जाएगा और उसके ऊपर अटैक हो जाएगा, तो बेटर है कि वो किसी एक इंसान को भेजे ताकि वह एमिली को बचा ले। और अब शॉ बोलता है कि ये काम स्नो कर सकता है।
शॉ यहाँ पर स्नो से बात करने के लिए जाता है तो पहले तो स्नो मना करता है, लेकिन जब यहाँ पर शॉ उसे अपने कप में लिखा हुआ दिखाता है कि मेस भी उसी जेल में है तो स्नो यहाँ पर जल्दी से मान जाता है। क्योंकि फ्लैशबैक में जब ब्रीफकेस लेकर के मेस वहाँ से चला जाता है तब अगले स्टेशन में जा करके गलती से उसकी गन चल जाती है और उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। पर यहाँ पर पकड़ने से पहले उसने अपने ब्रीफकेस को एक लॉकर के अंदर रख दिया होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर एमिली के पैर में गोली लगी थी तो वहीं की एक डॉक्टर उसका फर्स्ट एड कर रही होती है। और अब यहाँ पर स्नो प्रेसिडेंट के साथ और बाकी अपनी टीम के साथ एक स्पेस स्टेशन में पहुँच जाते हैं और इसी स्टेशन के कुछ ही दूरी पर वो जेल बना होता है। अब यहाँ पर स्पेस स्टेशन में एलेक्स अपना वीडियो कैमरा ऑन करता है और लाइव हर किसी से बात करता है। इस पूरे ऑपरेशन का इंचार्ज होता है स्कॉट, तो स्कॉट यहाँ पर उसे निगोशिएशन की ट्राई करता है। यहाँ पर स्कॉट और शॉ दोनों ही अपने अपने तरीके से एमिली को बचाना चाहते हैं। स्कॉट यहाँ पर निगोशिएशन करना चाहता है और शॉ यहाँ पर स्नो को अंदर भेजना चाहता है। स्कॉट यहाँ निगोशिएशन करने के लिए एक आदमी को जेल के अंदर भेजता है। वो आदमी अंदर जा कर के बोल देता है कि अगर वो किसी एक हॉस्टेज को छोड़ दे तो फिर उनकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी। एलेक्स को आइडिया सही लगता है तो वो यहाँ पर एमिली को ही ले जाने वाला था कि तभी वहाँ पर एलेक्स का भाई बोलता है कि एमिली नहीं जाएगी। और इसके बाद वो किसी और को ले जाने के लिए बोलता है और गुस्से में उस लड़की को शूट कर देता है और उस हॉस्टेज की वहीं पर डेथ हो जाती है। कि तभी यहाँ पर एलेक्स के आदमी बताते हैं कि पीछे से कोई बंदा जेल में घुसने की कोशिश कर रहा होता है। ये आदमी एलेक्स ही होता है जो कि अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। ये सुन करके एलेक्स को गुस्सा आता है और अब वो उसी पॉइंट पर उस निगोशिएटर को भी मार देता है। दूसरी तरफ स्नो यहाँ पर अंदर चला जाता है और अब यहाँ पर एक न्यूज़पेपर को देखने के बाद एलेक्स को ये भी पता चल जाता है कि एमिली प्रेसिडेंट की बेटी है और ये उसके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि अब यहाँ पर एमिली की जान बाकी सभी हॉस्टेज से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन अब तक यहाँ पर एमिली का बॉडीगार्ड उसे लेकर के भाग चुका होता है और वो दोनों एक रूम में जा कर के छिप जाते हैं। इस रूम में ऑक्सीजन होती है लेकिन वो लगातार गिरती जा रही थी। अब तक स्नो भी यहाँ पर अंदर पहुँच चुका होता है और वो एमिली के पास जा रहा होता है। इस पूरे वक्त में शॉ यहाँ पर उसे बता रहा होता है कि उसे कौन सा रास्ता लेना है और एमिली कहाँ पर है। अब यहाँ इस रूम में जहाँ पर एमिली और उसका गार्ड होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल लगातार गिर रहा होता है और एमिली कुछ मिनट तक और जिंदा रहे इसके लिए वो बॉडी गार्ड खुद को ही शूट कर लेता है। अब तक यहाँ पर एलेक्स भी बाहर आ चुका होता है और वो यहाँ पर एक इंजीनियर को बुला करके उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है जिसे कि अंदर से गार्ड ने तोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो नॉर्मली ओपन नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ से स्नो भी यहाँ पर रूम के अंदर आ जाता है और वो देखता है कि एमिली बेहोश है। वो एमिली को होश में लाता है और वहाँ से निकाल लेता है। अब जब एलेक्स यहाँ पर दरवाज़ा खुलवा करके अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एमिली नहीं है और ऊपर एक होल है। वो समझ जाता है कि वही आदमी जो कि जेल के अंदर आया था वह एमिली को लेकर के चला गया है। अब एलेक्स यहाँ पर अंदर के सभी कम्युनिकेशन को कट करवा देता है जिसकी वजह से अब शो स्नो को नहीं बता पाएगा कि उसे आगे कौन सा रास्ता लेना है। स्नो खुद भी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है और वो दोनों एक गलत रास्ते पे गिर जाते हैं। पर किस्मत से ये वो रूम होता है जहाँ पर फर्स्ट एड का काफी सारा सामान होता है। यहाँ पर स्नो एमिली का फर्स्ट एड करता है और उसे एक मैप और गन देता है और कहता है कि वो पॉट तक अकेले ही चली जाए। एमिली यहाँ पर अकेले जा भी रही थी कि तभी वो लोग टीवी पर देखते हैं कि एलेक्स ने सभी प्रिजनर को बोला हुआ है कि जो भी एमिली को पकड़ के लेकर के आएगा उसे इनाम मिलेगा क्योंकि अब उसे एमिली हर हालत में चाहिए क्योंकि वो प्रेसिडेंट की बेटी है। और ये सुनने के बाद स्नो को भी समझ में आ जाता है कि अब उसे एमिली के साथ में रहना पड़ेगा। तो वह एमिली को लेकर के एक ऐसे रूम में जाता है जहाँ पर प्रिजनर के कपड़े रखे होते हैं। यहाँ पर वो लोग भी कैदियों जैसे कपड़े पहन लेते हैं और स्नो यहाँ पर ज़बरदस्ती एमिली के बाल कट और कलर कर देता है। और कलर करने के लिए वो जिन चीज़ों का यूज़ करता है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है। इसके बाद वो दोनों ही कैदियों के बीच में जाते हैं जहाँ पर उनका थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है और वो लोग भागने लगते हैं। पर अब वो लोग भागते भागते यहाँ पर मेस को देख लेते हैं और अब फाइनली स्नो को मेस मिल चुका है। पर मेस तो यहाँ पर पागल होता है, वो किसी भी बात को समझ नहीं पाता है और एक ही बात को बार बार रिपीट करता रहता है।
दूसरी तरफ यहाँ पर जेल का कुछ हिस्सा बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो सभी तो या तो मारे जा चुके हैं या तो हॉस्टेज हैं, जिसकी वजह से जेल अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल जाती है और जा कर के एक स्पेस के प्रोग्राम में टकरा जाती है। इस टकराव की वजह से मेस एक कमरे में बंद हो जाता है, जहाँ पर थोड़ी ही देर में ठंडी हवाएँ चलती है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। पर डेथ होने से पहले वो कुछ बातें बोल रहा था, जिसे स्नो तो ध्यान नहीं देता है, लेकिन एमिली बहुत ध्यान से सुन लेती है। अब यहाँ स्नो थोड़ा सा दुखी हो जाता है, पर फिर भी उसे याद होता है कि उसके पास एक मिशन है जिसे उसे पूरा करना है। तो वह एमिली को लेता है और ले जा कर के एक पॉड में बिठा देता है। एमिली उससे बोलती है कि उसका पॉड कहाँ है, तो वो कहता है कि उसका पॉड जस्ट पीछे ही है और वो उसी के पीछे आ रहा है। एमिली पॉड में बैठ जाती है और स्नो वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर में वहाँ से पॉड भी लॉन्च हो जाता है, जो कि अर्थ की तरफ जाने लगता है। पर अब यहाँ पर एमिली स्नो के सामने आती है, क्योंकि एमिली को अच्छे से पता था कि दूसरा पॉड नहीं है, और वो ये भी जानती थी कि अगर वो एक बार यहाँ से सही सलामत निकल गई तो उसके पिता यहाँ पर बड़ी बड़ी मिसाइल्स को छोड़ देंगे और पूरे जेल को ब्लास्ट करवा देंगे। और वो किसी भी हालत में यहाँ के हर एक हॉस्टेज को बचाना चाहती है, क्योंकि उसके लिए हर लाइफ मैटर करती है। यहाँ वो स्नो से बोलती है कि उसे पता है कि ब्रीफ केस कहाँ पर है, क्योंकि मरते वक्त मेस ने जो बातें बोली थी एमिली को सारी बातें याद थी। स्नो यहाँ पर उसे पूछता है, तो एमिली उसके सामने एक डील रखती है कि अगर वो उसके साथ हॉस्टेज को बचाने में हेल्प करेगा तो फिर वो उसे बता देगी कि ब्रीफ केस कहां पर है। मरता क्या ना करता यहां पर स्नो उसकी बात को मान लेता है, और तभी वो देखते हैं कि यहां स्क्रीन पर वही साइको कैदी होता है। उसका भाई मतलब कि एलेक्स एमिली को ढूंढने के लिए एक टीम लेकर के गया होता है, और इस वक्त वहां पर सिर्फ वो साइको ही होता है। वो यह एमिली को वार्निंग देता है कि अगर उसने अपनी लोकेशन नहीं बताई तो यहां के हर हॉस्टेज को मार देगा। एमिली सबको बचाने के लिए अपनी लोकेशन बता देती है, पर इसके बाद भी वो सभी हॉस्टेज को मार देता है, और अब यहाँ पर कोई भी हॉस्टेज जिंदा नहीं है। स्नो यहाँ से तुरंत ही एमिली को लेकर के एक लिफ्ट के अंदर जाता है, पर वो लिफ्ट बीच में ही रुक जाती है। वो जैसे तैसे लिफ्ट का दरवाज़ा खोलता है और वो लोग एक हॉल में नीचे उतरते हैं, जहाँ पर अब एमिली को समझ में आता है कि वो जिस रीज़न से यहाँ पर आई थी वो बिल्कुल सही था। यहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं, जिनका चेहरा बहुत ही डिस्टॉर्टेड और अजीब सा हो गया होता है। इसे देख करके एमिली को समझ में आता है कि यहाँ पर कैदियों को गिनी पिग्स की तरह यूज किया जाता है और उनके ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। पर इससे पहले कि वो लोग यहाँ पर निकल पाते, वहाँ पर एलेक्स अपनी टीम के साथ आ जाता है और स्नो और उसके बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसमें स्नो को एक बुलेट लगती है और वो सीधे लिफ्ट के नीचे गिर जाता है और एमिली यहाँ पर पकड़ी जाती है। जब एलेक्स एमिली को लेकर के उस जगह पर आता है जहाँ पर सारे हॉस्टेज रखे हुए थे, तब ये देख करके उसका दिमाग खराब हो जाता है कि उसके साइको भाई ने यहाँ पर हर एक हॉस्टेज को मार दिया है। वह एमिली को धमकी देता है कि वो प्रेसिडेंट से बोले कि वो यहाँ पर अटैक नहीं करेंगे। एमिली यहाँ पर अपने पिता से बात भी करती है और कहती है कि अटैक कर दीजिए, क्योंकि सभी हॉस्टेज मारे गए हैं। ये सुनकर के एलेक्स को गुस्सा आता है, पर अब यहाँ पर उसका साइको भाई एलेक्स को ही मार देता है, क्योंकि वो बार बार एलेक्स की रोका टोकी से परेशान हो गया था। और अब वो एमिली को भी मारने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पीछे से स्नो आ जाता है, जो कि जिंदा होता है, और वो साइको को पीट करके एमिली को बचा लेता है। पर अब तक यहाँ पर दूसरी तरफ मिसाइल लॉन्च होने वाली थी। प्रेसिडेंट ऐसा नहीं चाहते थे, वो बार बार मना कर रहे थे, पर अब यहाँ पर स्कॉट बोलता है कि यूनाइटेड स्टेट में एक ऐसा भी लॉ होता है जहाँ पर अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर प्रेसिडेंट टेक्निकली डिसीजन ना ले रहे हो, उनका कोई प्राइवेट पर्सनल कंसर्न हो, तो ऐसी सिचुएशन में वो कुछ वक्त के लिए प्रेसिडेंट से उसके प्रेसिडेंट वाले सारे पावर छीन सकते हैं। और स्कॉट इस वक्त ज़बरदस्ती ऐसा ही कर रहा होता है, और ऐसा करने के लिए उसने वाइस प्रेसिडेंट का भी सिग्नेचर ले लिया होता है। और अब वो मिसाइल को जेल की तरफ लॉन्च कर देता है। मिसाइल को ब्लास्ट होने में 30 सेकेंड्स होते हैं, और इस 30 सेकेंड में जैसे तैसे बच करके एमिली और स्नो इंजीनियर वाले कपड़े पहन करके वहाँ से निकल जाते हैं। ये सूट एक ऐसा सूट होता है जो कि स्पेस में ख़राब नहीं होता है, और यहाँ से कूदते ही वो लोग अर्थ की तरफ आने लगते हैं। जैसे ही वो लोग अर्थ के ऑर्बिट के अंदर आते हैं तो उनका सूट जलना शुरू हो जाता है, और वो तुरंत ही अपने सूट को हटा देते हैं। और इसके बाद उनके पास पैराशूट होता है, जिसके साथ वे काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक लैंडिंग करते हैं, क्योंकि जिस हाइट पर उन्होंने पैराशूट खोला था वहाँ से नीचे आने में जन्मों लग जाते हैं। पर यहाँ पर लैंड होते ही तुरंत ही स्नो को पकड़ लिया जाता है, मतलब उसने कितना भी अच्छा किया हो
पर इन दी एंड उन्हें फ्रैंक के मर्डर की सजा जरूर दी जाएगी। एमिली तो यहाँ पर बेहोश होती है, पर अब जब उसे हॉस्पिटल में होश आता है तो वहां से निकल करके तुरंत ही उस स्टेशन पे जाती है, जहां पर वो मेस की बोली हुई बातों से एक लॉकर के सामने पहुंच जाती है और पासवर्ड भी समझ जाती है, क्योंकि वो भी मेस ने बोला था। वो अंदर से ब्रीफकेस को निकाल लेती है और अपने पिता के पास में जाती है और कहती है कि उन्हें कुछ काम करना है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर स्नो को देखते हैं, जो कि आकर के शॉ से बात करता है। शॉ यहाँ पर बोलता है कि काफी अफसोस की बात है कि तुम्हें मेस नहीं मिला और वो ब्रीफकेस भी नहीं मिला। यहाँ पर स्नो बोलता है कि उसके पास ब्रीफकेस आ चुका है, पर इसके बाद वो शॉ के सामने उसी ब्रीफकेस को रखता है, जिसे शॉ तुरंत ही ओपन कर देता है, लेकिन वो ब्रीफकेस खाली होता है। ये देख करके शॉ को कुछ समझ में नहीं आता है, तो स्नो उससे बोलता है कि मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने तुम्हें कोई भी पासवर्ड नहीं बताया, इसके बिना तुम्हें लॉक का पैटर्न कैसे समझ में आ गया। तो मतलब कि ये ब्रीफकेस शॉ का है और शॉ ही वो आदमी है जो कि यूनाइटेड स्टेट के बहुत सारे सीक्रेट दूसरे देशों को सेल करता है। असल में फ्रैंक यहाँ पर शुरुआत से ही ऐसी इन्फॉर्मेशन को बचा रहे थे जो कि यहाँ से बाहर लीक करी जा रही है, और उन्हें शक होता है कि उनके आसपास में से कोई ऐसा कर रहा है। और उस दिन जिस दिन फ्रैंक की डेथ हुई थी, वो उस दिन एक फ्लैट में गए थे जहाँ पर उनकी ऐसे ही एक मीटिंग थी, और इसके लिए उन्हें किसी पर भी भरोसा नहीं होता है, इसीलिए उन्होंने अलग से स्नो को बुलाया था। और स्नो यहाँ पर गन पॉइंट करता है उस आदमी की तरफ जो कि फ्रैंक को ही मारने जा रहे थे, पर क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिरर लगा होता है तो मिरर में ऐसा लग रहा था कि स्नो ने गन पॉइंट करी है फ्रैंक की तरफ। और ये सारी चीज़ एक बिल्डिंग के जस्ट सामने दूसरी बिल्डिंग से स्कॉट बैठ करके देख रहा होता है। वो यहाँ पर लाइव मिरर में देखता है सब कुछ, जहाँ पर रिफ्लेक्शन उल्टा होता है और उसे ऐसा लगता है कि स्नो ने ही फ्रैंक को मार दिया है, जबकि वहाँ पर किलर सामने खड़ा होता है। और अब सारी बातें प्रूफ होने के बाद और रियल कल्प्रिट शॉ है ऐसा पता चलने के बाद, शॉ को पकड़ लिया जाता है और स्नो यहाँ आज़ाद हो जाता है। यहाँ से बाहर निकल करके स्नो वही लाइटर निकालता है जो कि मरते वक्त उसे फ्रैंक ने दिया होता है, और इस पूरी मूवी में वो उसी लाइटर से स्मोक कर रहा था। पर अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है और वो लाइटर नहीं जल रहा होता है, तो वो थोड़ा सा उसे खोलने की कोशिश करता है और तब उसे उसके अंदर एक मेमोरी कार्ड मिलता है, और उसी मेमोरी कार्ड में वो इन्फॉर्मेशन थी जो कि शॉ दूसरे देशों को बेच रहा था। और अब उसे समझ में आता है कि मरते वक्त फ्रैंक ने उसे वो लाइटर दिया था और कहा था इसे संभाल के रखना, और बाद में उनकी नज़र जो ब्रीफकेस पर चली गई थी उसका कोई भी मतलब नहीं था। रियल में सारी रियल इन्फॉर्मेशन उसी लाइटर के अंदर थी, और पूरी मूवी में वो लाइटर स्नो के पास में ही था, पर उसे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ब्रीफकेस के अंदर है और इसीलिए ब्रीफकेस खाली होता है। पर वो ब्रीफकेस शॉ का ही होता है, इसीलिए शॉ ब्रीफकेस को खोल लेते हैं और ये बात भी पता चल जाती है कि सबके पीछे शॉ है। अब यहाँ सारी गुत्थी सुलझने के बाद एमिली उससे मिलने आती है, और वो एमिली को इस सबके लिए थैंक यू बोलता है, और इसी हैप्पी एंडिंग पे ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।